नाज़िन आदाब, हो चुकी है पीर, पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि अब सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में रहे या मेरे सीने में रहे, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हमारे शायर और अदीब हमेशा अपनी निगारिशात से, चाहे वो शायरी हो या नसर पारे हों, इस समाज का नक्शा बदलने की कोशिश करते हैं। उनके सीने में जो एक अलाव रोशन होता है, वो माशरे की बेहतरी के लिए होता है। आज महफिल तहजीब में जो शोरा शिरकत फरमा रहे हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराऊंगा, लेकिन पहले ही बता दूं कि आज की इस महफिल की सदारत मुमताज़ हकीम डॉक्टर सुलेमान खान तूर साहब फरमा रहे हैं। आज की शेरी महफिल में हमारे मेहमान खसूसी हैं उर्दू अकेदमी के वाइस चेयरमैन मोहतरम प्रोफेसर शेपर रसूल साहब। प्रोफेसर शेपर रसूल साहब की किसी महफिल में मौजूदगी ही उस महफिल के वक़ार का बाइस होती है। आप और भी कई इदारों से वाबस्ता रहे, जिक्र करूंगा तो वक्त बहुत खर्च हो जाएगा, लेकिन आप जहां भी रहे वहां वहां उन्होंने अपनी शख्सियत के अनमिट नकूश छोड़े हैं। बहरहाल उनकी आमद से इस महफिल के वक़ार में इजाफा हुआ है। मोहतरम डॉक्टर MR कासमी साहब आज की इस महफिल में शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा कमला सिंह जीनत साहिबा, जो बहुत खूबसूरत लहजे की शायरा हैं। तो आइए इस महफिल का आगाज़ करते हैं साहिब सदर की इजाज़त से, और सबसे पहले गुजारिश करते हैं डॉक्टर MR कासमी साहब अलीग से, जिस तरह उनके नाम में मैंने कासमी और अलीग का इस्तेमाल किया, कासमी तो उनके नाम का हिस्सा है, तो उससे अंदाज़ा होता है कि आपका ताल्लुक दो अजीम दरसगाहों से रहा है, अजीम दानिशगाहों से रहा है। दारुल उलूम देवबंद से आपने फरागत हासिल की, और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां हर शख्स पढ़ना चाहता है, रहना चाहता है, वहां की सोबतें, वहां की मजलिसें उनको ज़माना तालिब इल्मी में हासिल रहीं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनका जो शेरी ख़मीर है, दो अजीम जगहों से तैयार होता है। बहुत खूबसूरत तरन्नुम से भी कलाम पढ़ते हैं, तहज़ से भी पढ़ते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर MR कासमी साहब से कि वो इस महफिल का आगाज़ करें। इजाज़त मतला समाप्त फरमाइए जी इरशाद, कि घुटन कितनी है कमरे में, दरीचा बोल देता है। वाह, घुटन कितनी है कमरे में, दरीचा बोल देता है। घुटन कितनी है कमरे में, दरीचा बोल देता है। वाह, अगर खामोश हों अल्फाज, लहजा बोल देता है। वाह क्या बात है। अगर खामोश हों अल्फाज, लहजा बोल देता है। लहजा बोल देता है, हमारे अहद में अब उम्र से इज्जत नहीं मिलती। हमारे अहद में अब उम्र से इज्जत नहीं मिलती। हमारे अहद में अब उम्र से इज्जत नहीं मिलती। बुजुर्गों से बड़ी बातें तो बच्चा बोल देता है। वाह 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 वाह। हमारे अहद में, शुक्रिया, क्या बात है। हमारे अहद में अब उम्र से इज्जत नहीं मिलती। बहुत खूब। बुजुर्गों से बड़ी बातें तो बच्चा बोल देता है। और मुकद्दर में नहीं हो तो दफीनों में नहीं मिलता। अच्छा, क्या बात है। मुकद्दर में नहीं हो तो दफीनों में नहीं मिलता। दफीनों में नहीं मिलता, अगर तकदीर में हो तो खजीना बोल देता। वाह वाह वाह। अगर तकदीर में हो तो खजीना बोल देता है। और बड़ाई का पता यारो सदा छोटों से लगता है। वाह, बड़ाई का पता यारो सदा छोटों से लगता है। समंदर कितना गहरा है, ये दरिया बोल देता है। वाह वाह वाह। समंदर कितना गहरा है, ये दरिया बोल देता है। यहाँ इंसाफ की देवी की आंखें बंद होती हैं। लुटी इस्मत का सब किस्सा दुपट्टा बोल देता है। वाह। और शेर आखिर के कभी जुमलों से दब चरसील जज्बों की नहीं होती। वाह। बतौर खास शेफ रसूल साहब, कभी जुमलों से दब तरसील जज्बों की नहीं होती, बलागत बोलती है इस्तारा बोल देता है। वाह। बलागत बोलती है इस्तारा बोल देता है। वाह वाह। और हमारे अहद में अब उम्र से इज्जत नहीं मिलती। वाह। बुजुर्गों से बड़ी बातें तो बच्चा बोल देता है। वाह वाह वाह। और दो तीन शेर तनुंदर से पेश की देता हूँ। मतला समाप्त फरमाइए कि कल नहीं कहा हमने,
आज भी नहीं कहते, बहुत खूब, कल नहीं कहा हमने, आज भी नहीं, आज भी नहीं कहते, वाह, आप जो कहें हमसे हम वही नहीं कहते, बहुत खूब बहुत खूब, आप जो कहें हमसे हम वही नहीं कहते, हम वही नहीं कहते, बहुत खूब। ये शेर बतौर खास इरशाद, हो हसीन कितनी भी, हो हसीन कितनी भी धूप सर्द मौसम की, वाह वाह वाह, हो हसीन कितनी भी धूप सर्द, धूप सर्द मौसम की, धूप को मगर फिर भी चांदनी नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत, धूप को मगर फिर भी चांदनी नहीं कहते, वाह, खोने और पाने के, खोने और पाने के सिलसिले न हो जिसमें, बहुत खूब बहुत खूब, खोने और पाने के सिलसिले नहीं जिसमें, ऐसी जिंदगी को हम जिंदगी नहीं कहते, वाह 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 वाह, ऐसी जिंदगी को हम जिंदगी नहीं कहते, जिंदगी नहीं कहते, वाह। और ये शेर यहाँ सुनाने में काफी अहमियत रखता है जी, इरशाद, अब तो सिर्फ नारों पर लोग दाद देते हैं, अब तो सिर्फ नारों पर लोग दाद देते हैं, अब तो सिर्फ नारों पर लोग दाद देते हैं, मानी आफरीनी को शायरी नहीं कहते, क्या बात है, क्या बात है, मानी आफरीनी क्या को कहने भाई, शायरी नहीं कहते, वाह। और वैसे एक जुगनू ही तीरगी को काफी है, अच्छा है, अच्छा मिल रहा है, वैसे एक जुगनू ही तीरगी को काफी है, वैसे एक जुगनू ही तीरगी को काफी है, फिर भी एक जुगनू को रोशनी नहीं कहते, क्या कहने, बहुत 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 बहुत, क्या कहने, क्या कहने, फिर भी एक जुगनू को रोशनी नहीं कहते, मक्ता पेश खिदमत, इरशाद इरशाद इरशाद, कासमी गजल में है सारे शेर आमद के, वाह, कासमी गजल में है सारे शेर आमद के, इसको मीरो गालिब की हम सरी नहीं कहते, क्या कहने, हो हसीन कितनी भी धूप सर्द मौसम की, धूप को मगर फिर भी चांदनी, वाह, बहुत क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो सिर्फ नारों पर लोग दाद देते हैं, मानी आफरीदी को शायरी नहीं कहते, ये आज के अहद का अलमिया था।
ایک کرب تھا شاعر کا جس کو اپنی شاعری کے ذریعے بیان کر رہے تھے. لیکن آج کی جو محفل محفل تہذیب آراستہ ہے, اس میں ظاہر ہے کہ اسی بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میں ان شعرا کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جہاں معنی آفرینی اور جو غزل کے دوسرے اوصاف ہیں ان پر بہت توجہ دی جاتی ہے. بہرحال آئیے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. تو کیا جانے اس دریا پر کیا گزری, تو نے تو بس پانی بھرنا چھوڑ دیا. لڑکیاں عشق میں اتنی پاگل ہوتی ہیں, فون بجا اور چولہا جلتا چھوڑ دیا. خواتین کے اپنے احساسات ہوتے ہیں جن کو وہ شاعری میں قلم بند کرتی ہیں, لیکن اس کے برعکس آج کی خواتین, آج کی شاعرہ صرف اپنے ذاتی مسائل کو شاعری میں پیش نہیں کر رہی ہیں, بلکہ جو ہمارے سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو واقعات اور واردات رونما ہو رہی ہیں, ان پر بھی ان کی بھرپور نظر ہے. آئیے کیسے ہی شاعرہ سے ہم گزارش کریں. محترمہ کملا سنگھ زینت صاحبہ, آپ ان کی شاعری سنیں گے, ان کی شاعری پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس جلتے سلگتے ماحول میں بے خبر نہیں ہیں, بلکہ وہ تمام سماج کے ساتھ, معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ بارش کا انتظار کرتی ہیں. یہ ان کا سماجی سروکار ہیں. میں محترمہ کملا سنگھ زینت سے گزارش کر رہا ہوں ان کی شاعری کے لیے. صدر محترم کی اجازت سے میں کچھ شعر حاضر کرتی ہوں. پرندہ اڑتا ہوا مر گیا خلاؤں میں, پرندہ اڑتا ہوا مر گیا خلاؤں میں, یہ زہر کس نے گھولا ہے فضاؤں میں. واہ, یہ زہر کس نے گھولا ہے فضاؤں میں. ایک شعر اور دیکھیں کہ یہ تخت شاہی ہے اپنی, یہ تخت شاہی ہے اپنی تو وزیری بھی, یہ تخت شاہی ہے اپنی تو ہے وزیری بھی. اگر کشمیر ہمارا ہے تو ہے تو یہ کشمیری بھی, اگر کشمیر ہمارا ہے تو یہ کشمیری تو یہ کشمیری بھی. واہ, ایک شعر اور دیکھیں کہ لکھنا جو چاہا لفظ, لکھنا جو چاہا لفظ تڑپ کر مچل پڑے. بہت خوب, لکھنا جو چاہا لفظ تڑپ کر مچل پڑے. زخم تو اس حادثے پہ لکھتے کیا, اس حادثے پہ لکھتے کیا آنسو نکل پڑے. اس حادثے پہ لکھتے کیا آنسو نکل پڑے. اور جو ہماری پرورش ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ ہماری ماں کے بدولت ہمیں سمجھائی یا سکھائی جاتی ہے. تو ایک شعر اپنی ماں کے لیے حاضر کرتی ہوں, سنیے گا. کہ بتا سکتا نہیں کوئی بھی کہ وہ کیا کیا پکاتی ہے, بتا سکتا نہیں کوئی بھی کہ وہ کیا کیا پکاتی ہے. نہیں ملتا کسی سنسار میں جو ماں کھلاتی ہے, نہیں ملتا کسی سنسار میں جو ماں کھلاتی ہے. اور اسی طرح میں اپنے طریقے سے, میں ایک انسانیت کے آج کے حالات حاضرہ پہ میں سوچتی ہوں کہ جو ہم لوگوں کے بیچ حالات ہیں الگاؤ وادی کے, ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے. اس کے لیے ایک مصرے, چار مصرے حاضر کرتی ہوں, سنیے گا. اسی صورت میں نفرت کے مشالوں کو بجھاتی ہوں, اسی صورت میں نفرت کے مشالوں کو بجھاتی ہوں. محبت جس میں شامل ہو وہی دنیا بساتی ہوں, محبت جس میں شامل ہو وہی دنیا بساتی ہوں. نمازیں پڑھ کے آتا ہے وہ مجھ کو پھونک دیتا ہے, نمازیں پڑھ کے آتا ہے وہ مجھ کو پھونک دیتا ہے. میں پوجا کر کے آتی ہوں اسے ٹیکا لگاتی ہوں, میں پوجا کر کے آتی ہوں اسے ٹیکا لگاتی ہوں. جی, اور ایک غزل حاضر کرتی ہوں, سنیے گا. اسی حالات حاضرہ پہ ہے. درندے خود کو پرندے شمار کرنے لگے, درندے خود کو پرندے شمار کرنے لگے. ہوا کے دوش پہ بیٹھے تو وار کرنے لگے, ہوا کے دوش پہ بیٹھے تو وار کرنے لگے. جنہیں نہ رام سے مطلب نہ واسطہ رب سے, جنہیں نہ رام سے مطلب نہ واسطہ رب سے,
वो आज मस्जिदों मंदिर मीनार करने लगे, वो आज मस्जिदों मंदिर मीनार करने लगे, कफन फरोश कई लोग नस्ले आदम को, कफन फरोश कई लोग नस्ले आदम को, लहू लहान कहीं तार तार करने लगे, लहू लहान कहीं तार तार करने लगे। बतौर खास जो शेर है हाजिर करती हूँ, यहाँ तो राम है भूखा रहीम नंगा है, यहाँ तो राम है भूखा रहीम नंगा है, जदीद लोग तो कुत्तों से प्यार करने लगे, जदीद लोग तो कुत्तों से प्यार करने लगे, गिरे थे ताड़ से गिर कर खजूर में अटके, गिरे थे ताड़ से गिर कर खजूर में अटके, खजूर वाले कदम फूंक कर उतरने लगे, खजूर वाले कदम फूंक कर उतरने लगे। और आखिरी शेर हाजिर करती हूँ, जो निकला शेख की दाढ़ी में जीनत जी तिनका, जो निकला शेख की दाढ़ी में जीनत जी तिनका, वो अपने कौम को ही दागदार करने लगे, वो अपने कौम को ही दागदार करने लगे, दरिंदे खुद को परिंदे शुमार करने लगे। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा कमला सिंह जीनत अपनी शायरी से नवाज रही थी, और आइए हजरात अब उस शख्सियत के हुजूर पहुँचते हैं कि जिसका एहतराम न सिर्फ मुझ जैसे तालिब इल्मों पर बल्कि बड़े बड़े जो अदब के पढ़ने वाले हैं, अदब के शायकीन हैं, उन्होंने भी प्रोफेसर शैफ़ुर रसूल साहब का एहतराम किया है। प्रोफेसर शैफ़ुर रसूल साहब हिंदुस्तान की जो चंद नुमाइंदा तरीन आवाज़ें हैं उनमें एक सरे फहरिस्त नाम है। उन्होंने उस वक्त भी कि जब गज़ल पर बहुत बुरा वक्त आकर पड़ा था, उस वक्त भी अपनी गज़लों से जो गज़ल का तकद्दस था, गज़ल की जो एक रिवायत थी, उसको बचाए रखा। मैं मोहतरम शहरियार साहब के शेर से उनको आवाज़ देता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ कि सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। आइए सूरज जैसी रोशन शायरी सुनी जाए, गुजारिश की जाए प्रोफेसर शैफ़ुर रसूल साहब से, जो आज के मेहमान खुसूसी हैं। मैं पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए। मतलब यह है कि महफिल में जब से उसने पुकारा हमारा नाम, वाह वाह, महफिल में जब से उसने पुकारा, जब से उसने पुकारा हमारा नाम, दुश्मन बना हुआ है हमारा, हमारा हमारा नाम, वाह 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 वाह, दुश्मन बना हुआ है हमारा, हमारा नाम, हमारा नाम, क्या कहने, महफिल में जब से उसने पुकारा हमारा नाम, दुश्मन बना हुआ है हमारा, हमारा नाम। मुलाहिज़ा कीजिए कि मुँह से निकल गया है तो हैरान वो भी है, मुँह से निकल गया है, मुँह से निकल गया है तो हैरान वो भी है, लेना नहीं था जिसको गवारा हमारा नाम, वाह 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 वाह, लेना नहीं था जिसको गवारा हमारा नाम। ये शेर भी मुलाहिज़ा कीजिए ज़रा अलग तरह का है कि शोहरत तलाश में है किसी और की मगर, बहुत खूब, शोहरत तलाश में है किसी और की मगर, किसी और की मगर, सहमा हुआ है कब से बेचारा हमारा नाम, शोहरत तलाश में है किसी और की मगर, क्या कहने, सहमा हुआ है कब से बेचारा हमारा नाम, हमारे हमारा नाम, और तेरे सबब से ए निगाहे सादगी पसंद, वाह, तेरे सबब से ए निगाहे सादगी पसंद,
अब भी है आसमां पे सितारा हमारा नाम। तेरे सबब से आए निगाहें, पेश कर रहा हूँ, तेरे सबब से आए निगाहें सादगी पसंद। अब भी है आसमां पे सितारा हमारा नाम। मुलाहजा कीजिए ये शेर के, तुमको पुकारते हैं हमें देखते हैं लोग। तुमको पुकारते हैं हमें देखते हैं, हमें देखते हैं लोग, जैसे कि एक ही हो तुम्हारा हमारा नाम। तुमको पुकारते हैं हमें देखते हैं लोग, बहुत शुक्रिया, जैसे कि एक ही हो तुम्हारा हमारा नाम। हमारा नाम वाह वाह वाह, महफिल में जब से उसने पुकारा हमारा नाम, वाह, दुश्मन बना हुआ है हमारा हमारा। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, एक तीन चार शेर गजल की गजल पेश करते हैं। राजा कीजिए इरशाद अली, ये मतला है कि जिसमें, वाह, आपने देखा होगा आजकल हम सुपरलेटिव्स का इस्तेमाल बहुत करते हैं, उसी की तरफ मैंने इसमें इशारा किया है। हर आदमी अजीम है आजकल। तो मतला ये है कि हर एक शख्स ही जब से अजीम हो गया है, हर एक शख्स ही जब से अजीम हो गया है, अजीम लफ्ज़ बेचारा यतीम। हर एक शख्स ही जब से अजीम हो गया है, अजीम लफ्ज तो जैसे यतीम हो गया है। और ये मुलाहजा कीजिए कि ये सच की दायमी बेकामती का वक्त है क्या, क्या कहने, क्या कहने? ये सच की दायमी बेकामती का वक्त है क्या, हर एक झूठ लहीम व शहीम हो गया। वाह वाह वाह, ये सच की दायमी बेकामती का वक्त है क्या, क्या कहने, क्या, हर एक झूठ लहीम व शहीम हो गया है। बहुत खूब। हम मुलाहजा कीजिए मोहिन शादाब साहब, इरशाद फरमाए सर, हमें हमेशा हम ही से लड़ाता रहता है। अच्छा, वाह वाह वाह, हमें हमेशा बहुत अच्छा है, हम ही से लड़ाता रहता है, न जाने कौन ये दिल में मुकीम। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, हमें हमेशा हम ही से लड़ाता रहता है, न जाने कौन ये दिल में मुकीम हो गया है। वाह वाह। और ये अभी एक आसमी साहब ने एक शेर पढ़ा था, ये भी उसी सिलसिले का शेर समझिए कि ये हर एक जुम्बिश लब शायरी नहीं होती। वाह क्या कहते, हर एक जुम्बिश लब शायरी नहीं होती, मगर ये कैसा मजाक सलीम हो गया। वाह, हर एक जुम्बिश लब शायरी नहीं होती, मगर ये कैसा मजाक सलीम हो गया है। पूरी गजल बड़ी भरपूर कहती है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मुलाहजा कीजिए कि हमें तमीज़ ही कब है नए तकाजों की। वाह क्या बात है, हमें तमीज़ ही कब है नए तकाजों की, हुआ था दोस्त जो फिर से गनीम हो गया। वाह 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 वाह, हुआ था दोस्त जो फिर से गनीम हो गया है। वाह। और ये मकता है कि हमारे लोग कहाँ हैं, मोहब्बतें हैं कहाँ। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे लोग कहाँ हैं, मोहब्बतें हैं कहाँ, हमारा ख्वाब तो शह पर दो नीम हो गया। हाय हाय हाय, हमारे लोग कहाँ हैं, मोहब्बतें हैं कहाँ, हमारा ख्वाब तो शह पर दो नीम हो गया है, हर एक शख्स ही जब से अजीम हो गया है। क्या कहने, क्या, अजीम लफ्ज तो जैसे यतीम हो गया। वो तुम्हारा नाम, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा नाम वो ये है कि तुमको पुकारते हैं हमें देखते हैं लोग, तुमको पुकारते हैं हमें देखते हैं लोग, जैसे तुमको पुकारते हैं हमें देखते हैं लोग, जैसे कि एक ही हो तुम्हारा। वाह, बहुत शुक्रिया सर। एक गजल की गुजारिश आपसे और है, अगर तीन चार शेर गजल के हैं। जी जी, कि मेरी नज़र का मुद्दा उसके सिवा कुछ भी नहीं, मेरी नज़र का मुद्दा उसके सिवा कुछ भी नहीं, उसने कहा क्या बात है, मैंने कहा कुछ भी नहीं, कुछ वाह 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 वाह, मेरी नज़र का मुद्दा, मेरी नज़र का मुद्दा उसके सिवा कुछ भी नहीं, बोलती हुई शायरी, उसने कहा क्या बात है, मैंने कहा कुछ भी नहीं। वाह, ये शेर मुलाहजा कीजिए कि जिससे न कहना था कभी, जिससे छुपाना था सभी। बहुत खूब, जिससे न कहना था कभी, जिससे छुपाना था सभी, सब कुछ उसी से कह दिया, मुझसे कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह, जिससे न कहना था कभी, वाह वाह वाह, जिससे छुपाना था सभी, सब कुछ उसी से कह दिया, मुझसे कहा कुछ भी नहीं। और अब के भी एक आंधी चली, अब के भी सब कुछ छोड़ गया। वाह, अब के भी एक आंधी चली, अब के भी सब कुछ छोड़ गया, अब के भी सब बातें हुई,
लेकिन हुआ कुछ। क्या कहने क्या कहने, कैसी अलामतें हैं, अब के भी एक आंधी चली, अब के भी सब कुछ हो गया। वाह बहुत अच्छा, बहुत कुछ है इसमें, वाह अब के भी एक आंधी चली, बहुत अच्छा है, अब के भी सब कुछ हो गया, अब के भी सब बातें हुई लेकिन हुआ क्या कहने। मेरी नजर का मुद्दा उसके सिवा कुछ भी नहीं, उसने कहा क्या बात है, मैंने कहा कुछ भी नहीं। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर शेपर रसूल साहब अपनी शायरी से नवाज रहे थे। आपने महसूस किया होगा कि लहजों के हुजूम में अपनी शिनाख्त बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, ख़ासतौर से आप कुछ उल्टा पुल्टा करें, कुछ अजीब व गरीब करें तो आप अलग से दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आप रिवायतों में शामिल रहकर आप उसी लफ्ज़ियात के साथ, उन्हीं मौजूआत के साथ जो हमारे बुज़ुर्गों से हम तक पहुँचे हैं, उसके बावजूद अपनी शिनाख्त बनाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन प्रोफेसर शेपर रसूल साहब ने ये शिनाख्त हासिल की है, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। और आइए हजरात, अब आखिर में सदर आली वक़ार से हम गुजारिश करेंगे उनकी शायरी के लिए। तिब्बो हिकमत या हिकमत व दानिश की बुलंद फसील पर एक चराग रोशन है, आप उस चराग की लौ को गौर से देखें तो उसमें अदब के सितारे भी हमको झिलमिलाते नज़र आते हैं। यानी हकीम सुलेमान खां तूर साहब जितने अच्छे हकीम हैं, जितने अच्छे डॉक्टर हैं, उतने ही अच्छे शायर भी हैं। और अब ये धीरे धीरे राज खुल रहा है और उनके जो जौहर हैं वो इस हवाले से भी लोगों तक पहुँच रहे हैं। मैं एक शेर उनकी नज़र करते हुए उनको ज़हमत सुखन देता हूँ। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता, चाहे वो तिब्बो हिकमत का मैदान हो या शेर व अदब हो, हर जगह उनके उजाले अलग से नज़र आते हैं। मोहतरम डॉक्टर सुलेमान खां तूर साहब से मैं इल्तिमास गुजार हूँ। चंद शेर तहत में पेश करता हूँ। ये गज़ल मेरा ज़िंदगी का तारुफ है। क्या बात। और जो लोग तकलीफ़ों से घबरा जाते हैं उनके लिए एक सबक भी हो सकता है। पेश कर रहा हूँ मतलब जी। तरबियत लज्जत दुश्नाम ने की है मेरी, तरबियत लज्जत दुश्नाम ने की है मेरी, परवरिश गर्दिश अय्याम ने की है मेरी, तरबियत लज्जत दुश्नाम ने की है मेरी, परवरिश गर्दिश अय्याम ने की है मेरी, तालिब इल्म हकारत के भी मकतब में रहा, तालिब इल्म हकारत के भी मकतब में रहा, अच्छा, परवरिश नफरत इल्ज़ाम ने की है मेरी, परवरिश नफरत इल्ज़ाम ने की है मेरी, मुझको गोदों में खिलाया है हवादिस ने बहुत, अच्छा, मुझको गोदों में खिलाया है हवादिस ने बहुत, पुख्तगी हसरत नाकाम ने की है मेरी, पुख्तगी हसरत नाकाम ने की है मेरी, पुख्तगी हसरत नाकाम ने की है मेरी, तोहमतों से मेरी तामीर हुई है दोस्त, बहुत खूब, तोहमतों से मेरी तामीर हुई है दोस्त, इर्तका कोशिश नाकाम ने की है मेरी, इर्तका कोशिश नाकाम ने की है मेरी, इतनी तशहीर के हर शख्स मुझे जानता है, अच्छा, इतनी तशहीर के हर शख्स मुझे जानता है, इतनी तशहीर के हर शख्स मुझे जानता है, वाह, तूर ये कूचाए बदनाम ने की है मेरी, वाह वाह वाह। बहरहाल आज की ये महफिल शेर व सुखन, महफिल तहजीब यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है, लेकिन जिस तरह के हसब मामूल यहाँ पर शोरा की खिदमत में, मेहमानों की खिदमत में यादगारी तोहफ़ा पेश किया जाता है, मैं मोहतरम मारूफ रज़ा साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो एडिटर हैं तहजीब टीवी के, बराए करम आप तशरीफ़ लाएँ और शोरा की खिदमत में ये तोहफ़ा पेश करें।